दोस्तों आज निफ्टी फिर से एक नए हाई बना के क्लोज हो गया है और अपने निफ्टी के सभी टारगेट अचीव हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर। और आज जैसे कि कल नेगेटिविटी था और बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा, तो आज वो ट्रैप हो गए जिसको हम लोग बेयर ट्रैप कहते हैं। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी मैं बताऊंगा। आज के मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 3 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकलिस के बहुत सारे वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकलिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। 157 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 257। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो जो कि आज का वॉल्यूम एबनॉर्मल वॉल्यूम है, तो जैसे कि आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का वॉल्यूम ज्यादा होता ही भी है। और ये जो आज लास्ट एक्सपायरी है वो एक्सपायरी यानी कि मार्जिन का लास्ट एक्सपायरी है, तो कल से नया एक्सपायरी शुरू होगा और कल से हम लोग वॉल्यूम देखना शुरू करेंगे कि जो कि फुल मार्जिन हो गया उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कल से और भी ज्यादा क्लियर हमको दिखेगा। लेकिन अगर मैं कल और आज से देख रहा हूँ तो एक मुझे नॉर्मल वॉल्यूम ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। मैं आपको अगर कुछ एबनॉर्मल दिखता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो हमने कैसे कल रीड किया था, तो देखिए कि मैं आपको जो कि डे टू डे पूरा अपडेट करते रहता हूँ। अगर मेरा कुछ टॉप लॉस हुआ या बरोबर गया तो भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। आज का आप अगर निफ्टी का हाई देखोगे तो हाई है 17245 और हमारा टारगेट है 17254, तो ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे 8 या 9 पॉइंट का है। यानी कि इतना रैली के बाद अगर अपना टारगेट 8-9 पॉइंट यानी कि लगभग अपना टारगेट हो गया है जो कि हमारा डिलीवरी का टारगेट था। और जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनको मालूम रहेगा कि मैंने फिबोनाची से ये टारगेट दिया था। और मैंने एक बात आपको कही थी जो कि टेक्निकली है, तो लोग यहाँ पे ट्रैप क्यों होते हैं, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में भी बताऊंगा और निफ्टी के बारे में भी। और कोई कैंडल एक नेगेटिव आती है तो हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो एटलीस्ट उसके पहले मैंने आपको कहा था एक सिग्निफिकेंट कैंडल आया। अगर सिग्निफिकेंट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो नेगेटिव समझूंगा और हाई ब्रेक होता है तो मैं पॉजिटिव समझूंगा। इन बिटवीन मैं इसको इनसाइडर कैंडल समझ के चलूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक दिन नेगेटिव मार्केट हो गया तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट नीचे आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव होने के बाद दूसरे दिन सोचते हैं कि और नेगेटिव हो जाए, एटलीस्ट इसका लो तो कटना चाहिए, इसका लो के नीचे मार्केट जाना चाहिए, एक दिन और क्लोज देना चाहिए, या इंट्राडे में कोई जैसे कि 15 मिनट या आवरली कैंडल क्लोज होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो तो ये जो सिग्निफिकेंट कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है तो ये बहुत पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव। तो जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा शायद वो ट्रैप हुए होंगे, जिसको हम लोग बेयर ट्रैप कहते हैं। तो ये मार्केट का ट्रेंड, जैसे मैंने कहा कि ये सिग्निफिकेंट कैंडल का लो है 16,921, ये लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता तो मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे भी इन बिटवीन मैं एक साइडवेज मार्केट को कंसिडर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है कि नेक्स्ट टारगेट क्या आ सकता है निफ्टी का। तो ऊपर वाला जो मेरा लेवल है 17,254, ये 17,250 आप लीजिए। अगर इसके नीचे इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देगा या फिर इंट्राडे भी सस्टेंड होगा तो नेक्स्ट मेरा डिलीवरी टारगेट होगा 17,500, जो कि एक राउंड फिगर भी है और मार्केट वैसे ही चल रहा है कि 500 हजार के लेवल बहुत आसानी से ऊपर पार कर रहा है। सपोज अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो नजदीक वाला टॉप लॉस होगा 17,127, जो कि ये फिबोनाची का 138 लेवल है, ये आपका टॉप लॉस होना चाहिए अभी। और अगर मार्केट फिर से अगर नेगेटिव साइड में जाएगा तो जैसे मैंने कहा 16,921 जो है कि ये लेवल के नीचे जाता तो नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे हम लोग सभी चीज के लिए ओपन होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, कभी कभी टॉप लॉस भी हो सकता है और टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट भी होते हैं, क्योंकि आप कोई चीज फॉलो करते हो कभी ना कभी गलत हो सकता है। बट अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रैप नहीं हो सकते, एक दिन का जो नेगेटिविटी है उसे हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दूर वाले भी लेवल सोचे, नजदीक वाले भी लेवल देखे, हम लोग इंट्राडे में देखेंगे पहले निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस भी और कल के लिए भी। दोस्तों मैंने आपको कहा था 17,153 के ऊपर यहाँ पे बाय में जाना है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं जैसे कहता हूँ कि निफ्टी के मेरे प्रॉपर लेवल चलते हैं, यहाँ पे मार्केट देखिए कि मॉर्निंग में भी ओपन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था
127 का लेवल था और उसके ऊपर ये जो 153 गया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस और उसके बाद बहुत अच्छा रैली, तो एकदम 100% अपना जो इंट्राडे लेवल चला, जो कि मेरे स्टूडेंट्स को भी मालूम है किसी का ट्रेड कैसे करना है, और मेरा लाइव क्लास चलते रहता है तभी भी मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ जब भी आफ्टरनून में। तो यहाँ पे निफ्टी के बहुत ही इतने अच्छे लेवल चले। अभी नेक्स्ट हमको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ लेवल नजदीक है, 17,254 के ऊपर ही जाता है तो कल यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए 7153 के नीचे जाता तो ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि बाइंग का लेवल नजदीक है, सेलिंग का दूर है, मार्केट बहुत पॉजिटिव है, तो अगर ये सेलिंग का लेवल दूर है यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, लेकिन बाइंग का आता है तो यहाँ पे आप अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हो। कभी ना कभी बाइंग में भी टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन बाइंग में बहुत अच्छा अपने प्रॉफिट मिला है तो आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कल कहा था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल आया है या फिर एक जो है कि ग्रेवस्टन डोजी आया है। अभी ग्रेवस्टन डोजी का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे भी लोग फंस जाते हैं कि ग्रेवस्टन डोजी देखने के बाद दूसरे दिन शॉर्ट में रहते हैं और जैसे मार्केट ऊपर जाता है और शॉर्ट को एवरेज करते हैं, एग्जिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया मार्केट ने ये नेगेटिव कैंडल होने के बाद भी, अगर ये ऊपर जैसे ब्रेक होता है 37,000 अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। पर ये मेरा लेवल था 37,200, लेकिन ये कैंडल बनने के बाद ये लेवल हमारे पास आया तो ये लेवल 37,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, क्योंकि जितने भी शॉर्टर है उनके यहाँ पे टॉप लॉस लगे होंगे, तो आपको ये इंट्राडे में कल आपको देखना है। अभी अगर मार्केट यानी बैंक निफ्टी का अगर आपको टॉप लॉस रखना है 36,500 ये बहुत ही अच्छा टॉप लॉस होगा अगर आप लॉन्ग में हो। उसके बाद जो है कि 36,215 जो कि हम लोग पहले से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लेवल नहीं निकालते, बहुत सारे लेवल यहाँ पे रहते हैं, अगर मार्केट घूम के फिर के भी आया तो ये लेवल वर्क करते हैं, इसलिए मैं रखता हूँ और आपको यहाँ पे दिखता भी होगा। हम लोग 5 मिनट की चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल हमको इंट्राडे में कौन से नजदीक वाले लेवल हो सकते हैं। तो देखिए कि दोस्तों अगर मैं ये लेवल के नीचे सेल और ऊपर बाय का था, लेकिन ये लेवल के ऊपर आने के बाद जैसे मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन बनाया बाइंग का, तो यहाँ से रिवर्सल और बाइंग में भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट दो लेवल के नीचे बीच में अभी मार्केट क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी अगर पॉजिटिव होगा तो 37,000 ये लेवल के ऊपर जाता है तो ये अच्छा पॉजिटिव होगा और एक अच्छा रैली करेगा, तो कल इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे। सेलिंग 36,800 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक के बारे में बताया था, तो हम लोग देखेंगे कि सन फार्मा तो सेलिंग के लिए आया नहीं, इंफोसिस, यहाँ पे इंफोसिस में मैंने सेल दिया था, इनिशियली नीचे आया बाद में ये ऊपर गया, और वी गार्ड जो कि मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए दिया था, तो वी गार्ड में देखिए शायद ये ऊपर गया था लेकिन इसमें टॉप लॉस हो गया। तो कभी कभी अपने सभी स्टॉक चलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल अगर फंटेस्टिक चलते तो वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। कल के लिए हम लोग कुछ और 3 स्टॉक देखेंगे इंट्राडे के लिए। कल जैसे कि फ्राइडे है तो वीकेंड है, यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। पहला स्टॉक हम लोग देखते हैं अल्ट्रा केमो। तो यहाँ पे अगर अल्ट्रा केमो आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का जो ये था यहाँ पे आया था उसका इसने ब्रेकआउट लगभग उसके ऊपर क्लोज हुआ है और बहुत ही हाई ऑफ द डे क्लोज दिया है 79,90, तो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो। ऑल टाइम है तो फर्स्ट टारगेट 1% और उसको आप ट्रेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत बार आपको कहा है और मोस्टली इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी है और ट्रेडिंग भी होता है, तो यहाँ पे देखे कि मेरा इसके ऊपर ध्यान होता है। जब भी इसमें नीचे हेड एंड शोल्डर आया था, ये बॉटम में हेड एंड शोल्डर आया था, तो यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था ये जो आज वो ब्रेक हो गया 2,284 का और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट जैसे कैंडल क्लोज हुआ है, तो 2,306 के ऊपर कल अगर जाता है तो इसमें बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम और आने का चांसेस है। नेक्स्ट टारगेट 2,361 होगा जो कि एकदम ऑल टाइम हाई के एकदम नजदीक है, तो ये लेवल मोस्टली आ सकता है, तो रिलायंस के ऊपर आप कल नजर रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में देखिए कल भी एक सेलिंग प्रेशर कैंडल आया था, लेकिन आज जो कैंडल आया बहुत ही बुलिश और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे HDFC बैंक 1592 के ऊपर अगर जाता है
तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1620 का, यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कल एक स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट है stockgurudeepak.in, वहां जाके आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।